गाइस व्हाट्स अप इट्स वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल तो मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बेस लोकेशन खोज रहे थे जहां पे हम अपने नए बेस को बना सके क्योंकि ये जो जगह है काफी छोटा है और इसमें हम अब ज्यादा बिल्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि जो आ, जो उसका स्लोप होता है फाउंडेशन का वहां पे अब ये लग ही नहीं पड़ रहा है तो so, जैसे कि देख सकते हैं कि काफी उच्च खाल मतलब अपड डाउन है इस जगह पे जिसके लिए मतलब हम अपना वो नहीं बना पाते इसलिए मैंने एक नया जगह ढूंढ लिया है, आ, और साथ में ही मैंने वहाँ पे कुछ बिल्ड करना भी स्टार्ट कर दिया है अभी हम चलते हैं वहाँ पे और फिर दिखाते हैं पेट्रा डॉन को लेते हैं आ, और सबसे पहले हम लोग कुछ खाना खाने को ले लेते हैं क्योंकि अभी फिर हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा बिल्ड कंप्लीट करके फिर इधर रिटर्न होंगे सबसे पहले हम अपने फ्रिज से कुछ खाने को ले लेते हैं ऑल राइट ऑल राइट तो ये रहा मेरा फ्रिज फ्रिज नहीं है मतलब की एक ऐसा चीज जिसमें जो खाने वो खराब नहीं करता है ऑल राइट तो अभी हम लोग चलते हैं मैप देख लेते हैं किधर को जाना है ऑल राइट तो अभी हम वहाँ पे चल के फिर मिलते हैं ऑल राइट तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तो ये मैंने एक मतलब कि फेंस बनाया है और यहाँ पे मैंने कुछ ये लगा के और मैंने घर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे बड़ा सा जो डायनासोरस का गेट होता है वो लगेगा जिससे कि डायनासोरस अंदर और बाहर आ, आ और जा सके और यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा बड़ा मतलब जगह है और हम अगर फ्यूचर में कुछ बिल्ड करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं जैसे कि इसके हम बाहर आते हैं तो इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं उधर तक इस अंडर, अंडर वाटर भी हम बिल्ड कर सकते हैं आ, आर्क में अंडर वाटर भी बिल्ड वी किया जा सकता है तो ऑलराइट अभी हम आ, अपने जो आगे का इसका है वो हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो इसका अगर ट्यूटोरियल अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हम इसका ट्यूटोरियल भी दे सकते हैं तो अभी हम स्टोन फ्रेम ले लेते हैं अभी काफी ज्यादा ठंड पड़ रहा है इसमें से कुछ लकड़ियां निकाल के और हाँ। इसमें से कुछ लकड़ी निकाल के और हम इसमें डाल देते हैं ताकि ये जल जाए ऑल राइट right, तो अभी हम लोग बिल्ड करना जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मेरा ये डोर फ्रेम है वो यहाँ से ऑल राइट सबसे पहले हम लोग ये इसको यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं लेट्स गो हाँ एक हो गया इधर को और एक हो गया अपना सबसे लास्ट में इधर इसी के ठीक सामने इधर को कोल राइट तो अभी अभी तो जो मेरा डोर फ्रेम है वो लग चुका है अब इसके आसपास हमें लगाना है वो किधर गया विंडो फ्रेम विंडो फ्रेम मेरे पास दस है और इसके आसपास मुझे लगाना है एक एक ऑल राइट तो देखते हैं अभी लग रहा है कैसे एक इधर को और एक इधर को एक इधर को और एक इधर को ऑल राइट अभी विंडो फ्रेम भी लग चुका है और एक यहाँ पे भी लगा देते हैं विंडो फ्रेम और एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं ऑल राइट अभी तो ये हो चुका है अभी मेरे पास शायद से अभी दो ये भी पड़ा होगा मेरे पे हाँ इधर गया या हाँ दो मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है उडेन का जो डोर होता है वो भी मेरे पास अभी दो पड़ा हुआ है तो हम जो है डोर अभी लगा देते हैं इधर को दोनों में लाइट ऑल राइट डोर भी लग चुका है अभी हमारा और अभी मेरे पे बच रहा है क्या लगाने को आ, वाल वाल तो मेरे पास आ, 96 है वाल मेरे पास 96 है अभी इसको हम हाफ हाफ करके तोड़ देते हैं और फिर लेके चलते हैं 190 सौ नाइनटी के जी आ, नहीं नहीं उठा सकते एक सो नाइनटी टू के जी वजन अभी नहीं उठा सकते करते हैं इसको एक यहाँ लगाया।, right, तो एक, एक लगाया।, 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 लगाया इसके बीच में ही लगाना था अच्छा उसको बालकोनी छोड़ना था ऑल राइट right, तो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा लगा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऑल राइट तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से और अब हम वाल प्लेस करना स्टार्ट करते हैं और इसको 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 लेट्स गो ये एक वाल हो गया और इस पे हम लोग और वाल हमें लेके आने पड़ेंगे वाल 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 इधर के स्प्लिट स्टेक हाँ तो बांध के लिए हो जाएगा कुछ स्टोन है जो हम इसमें रख देते हैं शायद से तब हो जाए आ आ, 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 अपने वेपन्स रख देते हैं क्योंकि अभी अपने वेपन्स किसी काम के नहीं है शॉर्ट इधर इदर... अभी इसको हाफ कर देते हैं फिर से अभी नाइनटी नाइनटीन वाला हम लोग ले के चलने वाले हैं और फिर आगे का बिल्ड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑल राइट right, तो हम लोग अभी एक एक जो लेवल वाला है उसको हम लोग इधर को प्लेस कर देते हैं अभी हो गया और इसके बीच में हमें एक एक वाल और प्लेस करने का ऑल राइट right. तो ये हो गया आ, ये जो मेरा मेन गेट है वो वाला हो गया और इधर अभी मैंने शायद से जो वो स्लोप वाला था उसे मैंने अभी बिल्ड ही नहीं किया है स्लोप जो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके होता है उसको मैंने बिल्ड ही नहीं किया है तो इसमें से स्टोन ले लेते हैं काफी सारा स्टोन ये और इसमें टैच है मेरे पास तो स्लोप लेफ्ट वाला शायद मेरे को चार लगेगा ऑल राइट एक हो गया एक बन गया आ, ओ सिट यार एक इधर भी बन गया ये एक लेफ्ट बन गया और एक राइट अभी मेरे पास क्या, क्या क्या पड़ा हुआ है आ, स्लोप रूप का भी तो काम आएगा लेकिन अभी इसको हम इसमें रख देते हैं मेरे पास ऑलरेडी मैंने 20 बना के इसको रखा हुआ था अः जो राइट वाला है और दो बनाना है और लेफ्ट वाला और तीन बनाना है तो अभी देख लेते हैं कैसे होगा आ, लेफ्ट वाला तो आई थिंक आ, अभी मेरे पास किस चीज़ का कमी पड़ रहा है आई थिंक टैच नहीं है ऑलरेडी तभी तो हमें टैच इकट्ठा करने जाना पड़ेगा जंगल में आ, उसके लिए पहले ऑलरेडी तभी तो हम टैच इकट्ठा करके लाते हैं बना के और फिर मिलते हैं ऑलरेडी तो मुझे अभी जितनी भी चीजों की जरूरत थी मैंने तभी यहाँ पे बना लिया है अभी हम इस यहाँ पे फटाक फटाक ब्लेस करने वाले है एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया और ए, ए, नहीं ये नहीं लगेगा ये लेफ्ट वाला लगेगा शायद से वाला। right, तो एक ए, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया और और आई थिंक कहीं तो लगाना नहीं है एक यहाँ लगाना है एक यहाँ लग गया और फिर से नहीं ये वाला तो नहीं लगेगा ये वाला लगेगा ऑल राइट इधर भी लग गया इधर भी लग गया इधर भी इधर को भी लगा दिए हम अपन ने इधर को भी लगा दिए अब जो आगे आगे हमें बियोल्ड करना था वो हम अभी लगाना स्टार्ट करते हैं फ्लैट गाइज तो मतलब लगभग लग लगभग सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है वाल लगाने का अभी यहाँ पे तो सब कुछ हो चुका है और अब हमें शायद से इसको पूरा ढक देना है जो वो वाल है उसको लाके अभी शायद सेलिंग ऑल राइट तो अभी मेरे पास स्टोन सेलिंग पड़ा हुआ है तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसको स्नैप पॉइंट मिल रहा है ब्रो लेट्स गो लेट्स गो अभी आ, मतलब मेरा घर बनना है जो स्टार्ट हो गया है मतलब काफी ज्यादा बन चुका है ऑलराइट right, तो अभी देखते हैं पूरा लगा के और फिर ऑलराइट तो अभी सेलिंग लगाना हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो या ऑलराइट तो जो सेलिंग था वो तो पूरा तरह से लग चुका है और यहाँ पे कैसे खुला बच गया हो एक यहाँ पे जो था वो बच गया ऑलराइट यहाँ पे ऐसा ही छोड़ देते हैं ऑल राइट right, तो जो मेरा सेलिंग का काम था आ, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी हम, अभी दिखाता है कि घर अभी हमारा यहाँ से कैसा दिख रहा है ओफ ओ, काफी बढ़िया दिख रहा है तो यहाँ पे एक हमको लगाना होगा लेफ्ट वाला जो है यहाँ पे हमें एक लगाना होगा ऑल राइट right, तो ये है मेरा न्यू बेस जो की आ, पूरा कम्प्लीट हो चुका है देखते है फिर आगे इसमें कुछ डेकोरेशन भी तो करना पड़ेगा अभी राइट right, तो अभी जो अपना बेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जो इसका नेक्स्ट वाला डेकोरेशन है वो हम कल करेंगे और जि जितना भी अब मेरा वहाँ बेस में सामान था सब यहाँ पे लाके रखेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बेस यहाँ से कैसा दिख रहा है काफी बड़ा और काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ से अपना बेस राइट right, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय